कूटे समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ भुवस्व ॐ तत्सवितु आज अचानक उसने हमें क्यों बुलाया? आज ये गुप्त बैठक किस लिए? पता नहीं, प्रोफेसर कह रहा था कुछ बदलने वाला है। 2020 वो साल है जब सब बदल जाएगा। ऐसा क्या बदल जाएगा जिसके लिए गुप्त बैठक, जो 100 साल में एक बार होती है, 42 साल पहले ही तो हुई थी। ऐसे अचानक बुलाकर प्रोफेसर क्या बताना चाहता है हमें? कोई तो बहुत बड़ी वजह होगी। क्या वजह है प्रोफेसर, जिसके लिए आपने ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी, अंतर्यामी और अघोरियों को भी बुला लिया? ब्रह्मांड नहीं विज्ञान, साइंस, एक सिंपल लॉजिक। जैसे 1+3=4, ऐसे 2+2=4। पर अब संतुलन बदल रहा है। अब 1+3 और 2+2 की बात नहीं है, अब 4 बदल रहा है। ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है। मतलब? सारे मतलब दिख जाएंगे, दिख जाएंगे। सबको पता चल जाएगा। उसे पता चला है 2020 का साल कुदरत बदल देगा, कायनात बदल देगा, देश और दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, यही कह रहा था वो, कुछ बदलने वाला है। ब्रह्मांड के सारे धार्मिक गुरुओं को निमंत्रण दिया है, क्योंकि सृष्टि बदलने वाली है, भारत बदलने वाला है। प्रोफेसर को ऐसा क्या पता चल गया जो हमें नहीं पता? ब्रह्मांड में ऐसा भी क्या बदल जाएगा? आप तो जानते हैं, प्रोफेसर साहब तो वर्षों से खोज करते आ रहे हैं कैसे सृष्टि में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा था कि हम सबको बुलाया जाएगा जब वो वक्त आएगा, जब बदलाव ऐसा आएगा जहाँ भारत और दुनिया दोनों संकट में आ जाएंगे। अभी तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिख रहा है, हर तरफ शांति है, तो सबको ऐसे बुलाने का क्या मतलब? हर 100 साल में एक बार गुप्त गुफा में इस तरह की सभा लगाई जाती है। लगता है आज वो वक्त आ गया है, चलो अंदर। वो कह रहा था 2020 का साल दुनिया बदल देगा। उसने कहा था जब भी देश और दुनिया दोनों पर कहर बरसेगा तब वो बुलाएगा जब वो वक्त आएगा, और अब वो वक्त आ गया है। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। 2019 और 20 का फर्क अब लोगों को समझ में आएगा। जो 2019 में हुआ वो 20 में नहीं होगा, और जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा। सब कुछ बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? ये साल इतना अच्छा, सब अच्छा, देश अच्छा, दुनिया इतनी अच्छी, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुनिया इतनी कैसे बदलेगी? बदलेगी। अरे ऐसे कैसे बदलेगी? अरे आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे प्रोफेसर की बात सुन तो लीजिए। क्यों सुने? बेवजह बुला लिया हमें। और ग्रह नक्षत्र हमने भी देखे। तुमने सिर्फ विज्ञान पढ़ा है, हमने तो कायनात पढ़ी है। अरे सब ठीक है, आप इतना खौफ मत फैलाइए। चलो सब लोग, चलो। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। कैसे पता? क्योंकि मैंने देखा है। क्या देखा है?
क्या है? क्या हो सकता है 2020? क्या ये साल 2020 की बात है? कहते हैं जब पुच्छल तारा टूटता है तो तबाही आती है, जब पिछली बार भी टूटा था तो दुनिया में महामारी। ऐसी भी क्या तबाही आ जाएगी? और कैसे मान ले आपकी बात? ये सब कैलकुलेशंस की हैं मैंने, और उसके बाद विश्व का प्राचीन मंदिर, उसके सामने रहते हैं सारे गुप्त राज। देवता ने मुझे शेर के पंजों से बचा तो लिया, वो द्वार भी खुल गया और रहस्य भी। 2020 का रहस्य मेरी आंखों के सामने था, और फिर मुझे नाग देवता से वो जवाब मिला जिसका मुझे इंतजार था। मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, वो समय आएगा जब प्रलय होगी। सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन और दुनिया तबाह, ऐसा हो नहीं सकता। चलो सब चलो। आप लोग मुझे सुनिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश पर हमला होगा, दुश्मन देश करेगा, और इस बार हथियारों से नहीं किसी और तरीके से करेगा। ये है क्या? एक सिंपल लैब? इससे हम कैसे अपने दुश्मन देशों से लड़ पाएंगे? कौन है जो हमारी मदद करेगा? चिंगिस्तान की लड़ाई भारत देश से सालों से चल रही है, और हम चाहते हैं कि दुनिया में ये महामारी फैले, और भारत में सबसे ज्यादा। Everything's ready? और ये इंडिया के लिए। जब ये पूरी दुनिया के लिए है तो ये स्पेशल महामारी भारत के लिए क्यों? सर ये कहना चाहते हैं क्योंकि भारत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मनी हम आज तक नहीं जीत पाए हैं। उनकी आर्मी, उनके लोग उन्हें बचाते और जितवाते आए हैं, और ये उस दुश्मन को मारने का नया हथियार है। लोगों को लगेगा इस बार हमारा हमला हथियारों से होगा, नहीं, इस बार हमारा हमला होगा एक बीमारी से, महामारी से। लोग मरते जाएंगे, और इस बीमारी को फैलाने के लिए मदद करेंगे भारत के सबसे बड़े देशद्रोही, जिनके साथ हमने हाथ मिला लिए हैं। देना वास्ता। बॉस ये कहना चाहते हैं कि लिक्विड इतना पावरफुल है कि इसकी एक बूंद पूरी नदी के पानी को जहरीला कर देगी। ये महामारी का अटैक 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से 1,00,000 और 1,00,000 से 1,00,000,000, और ऐसे हम इंडिया को तोड़ देंगे। भारत को खुद नहीं पता कि उनके लोग ही हमारे साथ ये महामारी फैलाएंगे। इस बार हम ऐसी महामारी फैलाएंगे पूरी दुनिया में कि हम सर्वश्रेष्ठ होंगे। मेरी बात तो सुनिए। हे महाकाल, कैसे रोकेंगे इस प्रलय को? कैसे बचाएंगे सबको?
तिवारी ने पूरे देश को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जनवरी को 10 लोगों की मौत, 15 जनवरी को 50 की मौत और 22 जनवरी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बीमारी बहुत जल्द महामारी का रूप ले लेगी। आप सही थे, हमला हो गया है, संकट आ गया है। 24 जनवरी 2020 शनिदेव 30 साल बाद स्वयं अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव कर्मों के अधिपति हैं, उनका अपने घर में आना मतलब कर्मों का सबसे बड़ा खेल अब से शुरू होगा। ये बीमारी अब महामारी बन गई है, अब से सब कुछ बदल जाएगा। महामारी आग की तरह फैल रही है, अब कैसे बचेंगे? कोई उपाय है आपके पास? प्रोफेसर, जब आपने मंदिर का दरवाजा खोला था तो क्या देखा था? प्रलय अमृत मंथन का वो दृश्य जो सालों पहले हुआ था वो अब फिर होगा। असुर और देवता लड़ेंगे और किसी को आना पड़ेगा इस बार विष पीने। प्रलय आएगी, अमृत मंथन, 20 देव 20 असुर, भ्रष्टाचार। शेषनाग दुनिया को कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? अगर ये महामारी फैल गई तो देश को कौन बचाएगा? तो क्या जवाब दिया शेषनाग ने? कैसे बचे, कौन आएगा, देश को कौन बचाएगा? वो उसे आना होगा। किसे आना होगा? वो एक ही है जो सबको बचा सकती है और वो बचाएगी। उसे आना होगा, अपनी इच्छा से आए या अपनी इच्छा के बगैर, उस इच्छाधारी को आना होगा। किसे? नागिन आना होगा उसे। वो है शिव वरदानी, उसका काटा मांगे ना पानी। हर प्रकोप का कोप, हर विष पर भारी, वो इच्छाधारी हर रूप बदल सकती है, देश का रंग बदल सकती है। आपका मतलब है इस देश को महामारी से वो बचाएगी? वो बचाएगी, वो आएगी। इस बार अपना नहीं, देश का बदला लेने के लिए वो जरूर आएगी। शेष नागिन जरूर आएगी। हजारों नागरानियों से श्रेष्ठ एक शेष नागिन, शेष नागिन की शक्तियों से बनी सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन। पर शेष नागिन तो सामने नहीं आती है। उसे बुलाना होगा। पर उसे बाहर लाना तो बहुत मुश्किल है। मुमकिन नहीं है। पर वो है कहाँ? नीलगिरी पहाड़ के पीछे, जमीन के नीचे आज भी विराजती है वो। हजारों नागिनों से बनती है एक नागरानी और 100 नागरानियों से बनती है शेष नागिन। करोड़ों साल से वो वहां विराजित है, किसी के भी बुलाने से नहीं आती। कहते हैं उसे बुलाना असंभव है, वो किसी को नहीं दिखती, दिख जाए तो मोक्ष मिल जाए। नागमणि की शक्ति है उसमें, शिव की भक्ति है उसमें, शिव की सबसे प्रिय हर नागिन, हर नागरानी ने उसे सर्वश्रेष्ठ माना है, वो है शेष नागिन। पर उस शेष नागिन को यहाँ लाएगा कौन? मैं। देश के सबसे बड़े सपेरों को बुलाया है, उनकी धुन पर प्रसन्न होकर शेष नागिन को आना ही होगा। भारत और दुनिया को बचाने के लिए उसे आना ही होगा। वापस आएगी नागिन।
उसे क्रोध आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है। उसके चेले आ गए हैं हमें रोकने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं आना चाहती। सपेरे बुला लिए पर उसका क्रोध अब भी बढ़ता जा रहा है। ये पूरी जगह तहस नहस हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी कोई धुन नहीं है उसे आमंत्रित कर सके। मिल गया रास्ता। उठो। वो नागिन है। उसे दो ही चीजें ला सकती हैं, या तो उसके भगवान शिव, या फिर उसके देश की मिट्टी। अब उसे यहां पर लाने के लिए भगवान शिव को तो धरती पर ला नहीं सकते, पर उसके देश की मिट्टी उसे यहां पर जरूर लेकर आएगी। बजा। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें इस देश का इंतकाम लेना है। करना होगा। भी ससुर हैं हमारे देश में जो देशद्रोही बनकर हमारे देश को तबाह कर रहे हैं, महामारी फैला रहे हैं, लाखों लोग मर चुके हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उन 20 असुरों को ढूंढना, और हर बार की तरह उनका चेहरा तुम्हारी आंखों में नहीं दिखेगा। मैं बदला कैसे लूंगी? तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। जब सही वक्त आएगा वो जगह तुम्हें पता होगी जहाँ तुम्हें असुर मिलेंगे, तुम्हें वहाँ जाकर उन्हें ढूंढना होगा, और उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उन 20 असुरों की तलाश और उनका विनाश, और फिर होगा अमृत मंथन, और उस अमृत मंथन से हमें मिलेगा अमृत जो हमारे देश को एक नई जिंदगी देगा जिसकी उसे जरूरत है। और एक काम सिर्फ तुम कर सकती हो, और मैं जानता हूँ ये तुम जरूर करोगी। अमृत मंथन के लिए तुम्हें आना होगा, शेषनागिन को आना होगा, इन असुरों का विनाश करने के लिए तुम्हें आना होगा, और तुम आओगी।
शेष नागिन को आना होगा। नागिन आएगी। मैं नागिन हूं नागिन। एक नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। प्रथा बेटा, और फील करके बोल। फील फील इट कि तू नागिन है। पापा क्या फील करूं, ये क्या लाइन है, क्या डायलॉग है। मैं नागिन हूँ, मैं आई हूँ अपना इंतकाम लेने। ऐसे कौन बात करता है। आज 26 जनवरी है, लोग अपने घर में बैठ के हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो काम पे जा रही। पता है मयंक को भी आज छुट्टी मिली है, मुझे मिलना चाह रहा था, मिल भी नहीं सकती। पहला दिन है नौकरी का, मना भी नहीं कर सकती, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। डोंट वरी बेटा, मैं बैंक से बात कर लूंगा। ओके पापा। ये बचपन का दोस्त है तेरा, और अगर मैं फोर्स नहीं करता ना, तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करती। ठीक पापा, मैं उससे बात कर लूंगा, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता तय करने में बड़ा हाथ तो मेरा भी है, है? अब तो अपना काम कर ले। काम तो करना पड़ेगा ही ना पापा, आज तक आपने काम किया, अब मैं काम करूंगी और आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। पता है मैं सोच रही थी, जैसे मेरी पहली पेमेंट आ जाए ना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर लेके जाऊंगी। ओके ले जाना जरूर लेके जाना, लेकिन अभी तेरी कोई प्रॉपर जॉब भी तो नहीं है ना, ये छोटे मोटे डबिंग असाइनमेंट्स हैं। एनीवे कम ऑन, अब तुझे देर हो रही है, तू निकल ले। बाय। संभल के जाना बेटा। हाँ। ये बदला आपको लेना पड़ेगा। ये पेंटिंग मुझे केदारनाथ के गुप्त भवन में दिखाई दी थी। 12 आर्टिस्ट से एग्जैक्टली मैंने वही पेंटिंग बनवाई। जब भी वो सही वक्त आएगा, आपको उस असुर का पता चल जाएगा। ये बदला आपकी आंखों में दिखाई नहीं देगा जैसे पहले नागिनों को दिखता था। आप शेष नागिन हैं। आपको सिर्फ वो जगह पता होगी। आपको उस चेहरे को ढूंढना है, उसे पहचानना है, और उसके बाद उससे बदला लेना। ये 20 असुर जिनके चेहरे हम नहीं जानते, हर नागिन जब अपना बदला लेती थी तो उसकी आंखों में वो चेहरा दिखाई देता था जिससे उसे बदला लेना। पर शेष नागिन को अपना वध ढूंढना होगा, सिर्फ आपको जगह पता होगी। 20 के 20 चेहरे छिपे हुए, एक एक को सामने लाना होगा। सुनो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और बहुत संभाल के लेके जाना। आज 26 जनवरी है और आज ही डिफेंस ऑफिशियल्स तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। देश को पता चलना चाहिए कि दुश्मन हमारे देश पर अब ऐसे अटैक कर रहा है, देश खतरे में है। सर जाओ, जाकर ये मैसेज दे दो कि हमारे देश पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। सर बच्चे की जान भी बचा ली और देश की शान भी, और दुश्मन को क्या खदेड़ा बॉर्डर पर तुम्हारे जवानों ने। हम जंग जीत गए, अब हमें इस देश को इस महामारी से बचाना है और जीतना है। तुम्हें क्या लगता है जवान, अचानक ये महामारी क्या वजह हो सकती है? सो जंग की वजह सिर्फ दुश्मनी होती है। दुश्मन हम पर वार तो कर रहा है पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है इस बार उनका हथियार यही हो। Again, your conspiracy theory. तिरंगा बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात में कोई साजिश हो। You seem familiar. तुम कहीं मिस्टर गुजराल के पोते तो नहीं? Yes, ऋषभ गुजराल, मेरे पापा का पोता और मेरा बेटा। I am proud of him. He is just like my dad. उन्हीं की विरासत को आगे लाया है। वो भी बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हुए थे देश के लिए, और ये भी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। Nice to see you. Same here. Proud of you. Keep it up. Yes, sir. एक भी रिक्शा नहीं दिख रही। अरे 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 मैडम, कहाँ जा रही हो? रुको मैडम जी। एक्सक्यूज मी मिस, इतनी रात को अकेले अकेले एंजॉय कर रही हो? लड़की अकेली सड़क पे, हम तीन अभी भी ज्वाइन कर लो। हाँ रात भी कट जाएगी और सफर भी। छोड़ दे, लिफ्ट लिफ्ट।
नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे तो हमें भी साथ ले लो। अरे 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 देखो मुझे परेशान हो। अरे हम अच्छे लोग हैं। अबे उसे छोड़, हॉट है यार। इसे छोड़ दो। छोड़ देंगे, तुम साथ चल लो। आते हो ना? पर ये लोग, इन्हें जहाँ छोड़ना है मैं छोड़ दूंगी। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। एक नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। ये कैसी लाइन है? आप नागिन हो, थोड़ा लाउड बोलो। पर सर ये सब तो हिंदी सीरियल्स में ही होता है, नागिन असली में थोड़ी ना होती है सर। मैडम होती है, होती है। और ये जो आप लाइंस बोल रही ना, सिर्फ लाइंस नहीं है, जब असली नागिन आती है ना तो धरती का सीना फाड़ कर आती है। देख यार क्या हो गया? ये पंचर हो गई भाई। बेब तुम आराम से बैठो, मैं टायर ठीक करके आता हूँ। ये मैडम को भी बियर वियर पिलाओ बे। मैडम जी कहाँ गए? उसकी आंखों में उसका इंतकाम दिखेगा। नागिन का डसा पानी तक नहीं मांगेगा। यहाँ हूँ मैं। ए तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो जहाँ भी है, जैसी भी है, अपना बदला लेने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेगी, किसी भी ऊंचाई को छू लेगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारी चीख मेरे बदले की आग को नहीं बुझा देती। एंड कट। गुड। हमारे पैसे। सर आगे भी कोई डबिंग होगी तो बता देना, मैं हॉलीडेज पर भी आ जाऊंगी सर, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम अंदर नहीं जा सकते, चलो जाओ यहाँ से। देखिए मुझे प्रोफेसर साहब ने भेजा है, उनका और ऋषि मुनियों का मानना है कि वक्त बदलने वाला है, हमारे देश पर एक खतरा है। ये लेटर मुझे आर्मी ऑफिसर्स तक पहुँचाना है। सुनिए ओ भाई, ओए चलो चलो चलो। हे डूड, वो कौन है यार? वो शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। छोड़ने यार, हर कोई कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है। ऋषभ, देयर इज समथिंग फिशी। सिक्योरिटी, उस आदमी को भगाओ वहां से। चलो 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 सर। चलो चलो सर। अरे जाओ भाई जाओ। अरे देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। उसने मुझे सिर्फ आधा मैसेज दिया, मुझे बाकी का आधा मैसेज भी चाहिए। मैम 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 मैम, आप मेरी मदद कर सकती हैं क्या? यहाँ कोई छिपने की जगह है? पता नहीं, यहाँ तो आप। सर क्या जरूरत थी तुम्हें उस आदमी को गेट पे रोकने की? यहाँ एक छोटा सा पेपर देना चाहता था, वो देने देते। God knows कहां चला गया। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? एक पेपर ही तो देना था ऑफिसर को। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस आदमी के साथ यहां पर एक लड़की भी थी।
कहां चली गई वो लड़की जिससे वो आदमी मिला था? ए रुक, रोक रिक्शा, रोक, रोको रिक्शा, रोको। मैडम, मैडम जिस बिल्डिंग से आप निकली हो उस बिल्डिंग में रेड हो गया है। किस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में, वहां स्कॉट बिजनेस चल रहा था। व्हाट? देखिए, हमें पता है कि आप यहां पर डबिंग के लिए आई थी, पर इन बिल्डिंगों में कभी कभी अजीब बात होती है, इसलिए आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अभी सादे मैसेज का मैं क्या करूंगा? कुछ तो कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था, कहां चला गया? हाँ डैड, हाँ डैड, बस अभी पहुंच रहा हूं। दुश्मन देश, कहानी यहां से शुरू होती है। हमें नहीं पता था वो हम पे अटैक कर पाएंगे। इमली कैरी खा रही है। लेकिन इमली कैसे कैरी खा सकती है? इंडियन लड़की का नाम है बेवकूफ। चाचू बताओ ना, आगे क्या? फिर उसका हाथ पानी में गिर गया और फिर शुरू हुआ नया सफर, सिलसिला। बीमारी का या महामारी का? चुड़ैल। ए पापा, कोई चुड़ैल थोड़ी होती है यार। होती है। फिर उसके ये लंबे लंबे नाखून, फिर उसके ये लंबे लंबे पांव, और उसने यूं चेहरे पे मैं भूतों की कहानी सुना रहा था। भूतों की कहानी? ये शादी ब्याह के घर में भूतों की कहानी कौन सुनाता है पुनीत? और वो भी ना जैसे चाचा वैसे भतीजा। अरे माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर शादी ब्याह के घर में हॉटशॉट भूत भूतों की कहानी नहीं सुनाएंगे तो शादी का घर कैसे लगेगा? तो टॉर्च यहाँ रखने की जगह यहाँ रखनी चाहिए थी ना, तो बराबर इन लोगों का भूत दिख जाता। मैं तो चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। मेरी कहानी सुना रहे थे ना? इन्होंने मुझे सबके सामने चुड़ैल बुलाया। देख पुत्र, सच जो भी हो लेकिन बच्चों के सामने बोला मत कर। मैं बाद में देख लूंगी। आप तो मेरी प्यारी सास है ना, और मेरे दोनों भतीजों की शादी हो रही है, वो भी मिनिस्टर की बेटियों से, और आपकी बड़ी बहू की बेस्ट फ्रेंड की सहेलियों से। अब मतलब इसमें तो मुझे छोटा मोटा तोहफा तो मिलना चाहिए ना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक डायमंड का हार। ठीक है ठीक है, बना लूंगी डायमंड का हार। I'm sorry guys, I know that I'm late. लेकिन आज का जो दिन था वो मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा टफ था। ये महामारी, you know, हमारे देश में कितनी तेजी से फैल रही है, और उसी के साथ साथ बॉर्डर पे एक अलग जंग चालू है। एक तरफ बॉर्डर पे जंग और दूसरी तरफ यहाँ महामारी की लड़ाई। I don't care अगर तुम शादी में भी लेट आओ, लेकिन देश के लिए लेट मत करना। Country should not suffer, right? Right, Dad. भाई अगर शादी के लिए लेट होंगे तो I will suffer ना? मेरी शादी भी तो लेट होगी सर। आपके डैड आर्मी में थे, भाई आर्मी में, तो आप पार्शियलिटी करोगे मेरे साथ? एक यही तो है जो मेरे पापा के रास्ते पर चल रहा है। मैं भी अपने पापा के ही रास्ते पर चल रहा हूँ। आपने भाई के लिए लड़की देखी? हाँ। मेरे लिए भी आप ही ने लड़की देखी? हाँ। तो उसी से तो शादी कर रहा हूँ, आपके रास्ते पे चल रहा हूँ ना। वाह बेटा वाह, तू कर बिंदास कर। और वैसे भी शादी के बाद एक ही चीज होती है, क्या? लाइट ऑफ करो तो खुशी, लाइट ऑन करो तो चुड़ैल। कुछ सुना मैंने? चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ, जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, और लड़की वाले भी आ रहे कुल देवता के दर्शन के लिए। चलिए। जिस बिल्डिंग में मैं डबिंग के लिए गई थी, पता नहीं वहाँ कुछ गलत काम हो रहा था तो वहाँ रेड पड़ गई, सारी लड़कियों को अंदर कर दिया पर मुझे छोड़ दिया, कह के कि मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ ही क्यों होती है। मैं तुम्हें फिर से कॉल करती हूँ बाद में, ओके? प्रथा बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तेरे माथे पे वरी की रेखा है ना, ये हारी में बदलने वाली है, तुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है। अब आप बात तो ऐसे करते हो जैसे पता नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर हो। मयंक, मैं
मैं करती हूँ ना तुम्हें थोड़े टाइम में कॉल। प्रताप बेटा, तुम मैं इनके साथ खुश है ना? पापा खुश हूँ, पर शादी कोई नहीं कर लूंगी, पर उससे पहले जॉब मिल जाएगी ना। देख, आज सोमवार है, शिव जी का दिन, तुम मंदिर जा, आज कोई ना कोई स्पेशल आशीर्वाद तो वो देंगे। सुबह से 10 जगह कॉल कर चुकी हूँ, कहीं से रिवर्ट नहीं आया। हेलो, क्या? हाँ मैं आ रही हूँ, मंदिर। अरे जॉब मिल गई क्या? जय शिव शंभू, हर हर महादेव। यह केवल स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, साक्षात शिव है। यहाँ पर जो भी श्रद्धा और भक्ति से आते हैं, शिव जी उनकी हर प्रकार की मुरादें पूरी कर देते हैं। कहते हैं शिव जी इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ शुरू होती है। इस चमत्कारी दुनिया की सृष्टि बनती भी यहीं से है और मिटती भी यहीं से है। कई चमत्कारी घटनाएं यहाँ पर घट चुकी है। इस शिवलिंग में दिव्य शक्ति है। इसका चुंबकीय आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के दूसरे कोनों में लोगों के घर उड़ से गए हैं। सुपर स्टोरी है पंडित जी, बट प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, एक घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। रितेश, अगर थोड़ा पूजा पे ध्यान देना। सॉरी पंडित जी, आप प्लीज पूजा कंटिन्यू कीजिए। इतनी पूजा, माय गॉड। चाचू, मॉम का है, जिनको पूजा करनी है वो ही नहीं है। वेयर इज मॉम? नहीं, मंदिर के बाहर है, बेस्ट फ्रेंड को रिसीव करने के। भाई देन तो आई एम श्योर बाहर बड़ी मोर और रोशनी आंटी का भारत में रापोर होगा। वो तो है, अब दोस्ती इतनी गहरी है, अब मॉम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रही है। हम दोनों को शहीद करके हम दोनों की शादी उर्वशी आंटी की दोनों बेटियों से करवा रही है ना। उर्वशी, क्या टाइम हो रहा है और कितना वेट करूं मैं? ओ, अब बीटिंग खत्म, मैं आ गई ना। मिलना तो देखिए इनका, अक्सर मिलती रहती हैं, लेकिन गले ऐसे लग रही हैं जैसे बरसों पहले पिछड़ी आज मिली है। कितना ही क्यों ना मिलो, जी नहीं भरता। बचपन की इकलौती सहेली है ये मेरी। सीमा, अब रिश्ते बदलने जा रहे हैं, हम सहेलियों से समधन बनने जा रही हैं। इतनी भी तारीफ मत करो वरना सर पे चढ़ के बैठ जाऊंगी। देख 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 देख, तू अपना कहां भूल रही है क्या? अरे तूने तो कहा था ना कि मेरे बेटे तेरे बेटे, तेरी बेटियां मेरी बेटियां। एब्सोल्युटली करेक्ट। हां सच सीमा, मैंने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो मेरी बेटियों को तुझ जैसी सास मिल रही है। हमारी को ध्यान में रखते हुए हमने शादी को प्रीपोन किया, ये फैसला अच्छा लिया ना हमने। याद है इस पर इंतकाम अलग है, इंतकाम के आखिरी वक्त तक तुम्हें असुर का चेहरा अपनी आंखों में दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जब वक्त सही होगा तुम्हें उस असुर का सुराग मिलेगा। इस देश के लिए नागिन के बदले की शुरुआत हो चुकी है। जाना होगा तुम्हें ढूंढने के लिए कि इस देश का असुर है कौन। वैसे सीमा, मेरे बेटे कहाँ हैं? ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तेरी बेटियां कहाँ हैं? सॉरी यार, वो नहीं आ सकी। What? समझना, शादी का घर है, इतने सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं उनके, एंड यू नो हाउ गर्ल्स आर, क्लोथ्स, ज्वेलरी, दिस दैट। वैसे ये मंदिर जो है ना बहुत ही खास है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर में आने के बाद मेरे बेटों की जिंदगी बदलने वाली, एक नई शुरुआत होने वाली है, उन्हें उनकी सोलमेट यही मिलेगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सच बेटा, ये महामारी बढ़ती चली जाएगी, तुझे का आशीर्वाद ले लो। क्या पता कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे जो तुम्हारे लिए बना हो, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत हो। आओ जी। कहते हैं ना, जब लड़का लड़की साथ मिलकर यहाँ स्वयंभू शिव जी की पूजा करते हैं तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों तक बनता है। सुगंधी पुष्टि वर्धनम। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, तुम किसी की जिंदगी बदल दोगे। इस शिव मंदिर में आज तक मैंने बहुत हाथ देखे हैं, फल फूल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा हाथ नहीं देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, जहाँ जाओगी नसीब बदल दोगी, अपना नहीं उनका।
जिनके नसीब में तुम होगी। पापा के नसीब में हूँ ना, आई होप वो बदल दे। कब से टेंशन में ही जी रहे हैं, कुछ भी हो जाता है तो छोटी मोटी चोट पता के टाल देते हैं। पैसे जो बचाने हैं, मेरी शादी करानी है, बस आज की जॉब अच्छे से हो जाए। भाई मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटियों से हमारी शादी हो रही है, तो मॉम को और उनकी बेस्ट फ्रेंड को पूजा में बैठना चाहिए ना। अरे उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन है। रिच एक बात बता मुझे, तेरे को कोई अच्छी बात करनी आती है या नहीं? ऑफ कोर्स आती है ना, तभी तो हम अलग कार में आए हैं। हम अलग कार में इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको शॉपिंग करने जाना था। ओके व्हाट, थैंक गॉड। अरे शादी हमारी हो रही है, शहीद हम हो रहे हैं, तो थोड़ा एंजॉय तो कर सकते हैं ना। वहां पे बोर हो रहे होते ये वो शिव जी पंडित जी, पूजा हम लोग कर रहे हैं। नो यू ओनली टेल मी, शिव जी और महामारी में क्या डिफरेंस है, क्या कॉम्बिनेशन क्या है उनका? अभी पंडित जी ने हमें महामारी से बचने के लिए आशीर्वाद दिया है, या फिर जो महामारी हमारे सर पे कुछ दिन बाद गिरने वाली है उसके लिए? क्या हो गया, बाहर क्या देख रहा है? मैंने अभी कुछ देखा भाई। क्या देखा? सांप, सांप था। सांप? झूठ क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई सांप वाप नहीं है भाई। पत्थर है। यही पे ही बताया था किसी ने कि यही बस का रूट है। कोई बचाओ! छूट जाएगा, जल्दी खींचो।